मध्य प्रदेश पंचायत में इस दफा हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से हैं कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव, और कांग्रेस के चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला। क्या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी या एक बार फिर से चौथी दफा बीजेपी जीत पाएगी, इस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपसे शुरू करते हैं। इस दफा लोगों में नाराजगी थोड़ी नजर आ रही है। लोग देखते हैं बीजेपी का काम और देखते हैं वो वादे जो पूरे नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि 15 साल सरकार में रहने के बाद अब 5 साल घर रहने का वक्त आ गया है? राहुल जी, आपने प्रश्न पहला ऐसा किया जिससे ऐसा लगता है कि आप भी पूर्वाग्रह से पीड़ित हो गए इस मध्य प्रदेश की राजनीति में। मुझे लगता है कि जब सुबह आपका जब फोन आया था, जब मैं एयरपोर्ट पे था, बंगाल से आया था सीधा, घर गया और घर से 3 बजे निकला और 5:30-6 बजे यहाँ पहुँच गया होटल में सीधा, ये 15 साल की यात्रा का प्रभाव है। नहीं तो मुझे याद है, मैं पहली बार जब 90 में विधायक बना था तो इंदौर से भोपाल आने में 5 घंटे लगते थे और उसके बाद एक मालिश वाले को रखना पड़ता था कि यार ज़रा मेरी कमर अमर थोड़ी ठीक कर दे। तो ये हाल थे वहाँ पर सड़कों के भी। आज मैं सुबह बंगाल से आया, बंगाल से आकर इंदौर आ गया, इंदौर से आपके आदेश पर यहाँ पर भी आ गया और आधे घंटे आपने जो समय दिया था उसके पहले पहुँच गया। तो ये डेवलपमेंट है, ये विकास है और इस विकास के कारण आज मध्य प्रदेश में हम दावा कर रहे हैं कि इस बार 200 पार। और ये विकास सिर्फ इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं है, ये गाँव में, और मैं किसी भी गाँव में आप चले जाइए, जितने भी गाँव हैं सब जगह आपको कॉन्क्रीट की सड़कें मिलेगी, कॉन्क्रीट। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिस तरह की थोड़ी सी नाराजगी या लोगों के वचन सुनने को मिल रहे हैं, इस तरह की बातें तो हमने गुजरात में भी सुनी। नाराजगी लोगों में थी, एंड में जीत हुई बीजेपी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी नाराजगी है? 15 साल से राज कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ शिकायतें होंगी, लेकिन जब वोट पड़ेगा 28 नवंबर को तो वोट पड़ेगा बीजेपी के लिए। एंड में जीत होगी इनकी, हार होगी आपकी। लोग कहेंगे चलिए वेल ट्राइड, लेकिन जीते ये। राहुल भाई, विकास तो वो है, हमने देखा, क्योंकि आजकल बहुत लंबे समय से आदरणीय कैलाश जी को तो शिवराज जी ने प्राण से देश निकाला दे रखा है, तो इसलिए उन्हें अभी पूरी सड़कों का ज्ञान नहीं। नहीं तो लड़ाई करवा रहे हैं आप, हाँ? नहीं तो वो ये भी बता देते कि आजकल मंत्री सड़कों पर कारों को धक्का लगाते हैं, ये विकास है, ये बता देते। पर शायद इसलिए मालूम नहीं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की मजबूती के लिए अधिक कार्य करते हैं, क्योंकि शिवराज जी यहाँ आने नहीं देते। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है, केवल एक सेकंड में और लूंगा। वास्तविकता ये है कि अब 14 साल पहले, जब आपको याद है, भगवान श्री राम को भी मंथरा ने इसी प्रकार से वनवास दिलवाया था। आज की मंथरा भाजपा बन गई है और अब 14 साल पूरे हो गए। इस बार जो दीपावली आएगी वो एक नया सवेरा कांग्रेस का लेकर आएगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मुझे मध्य प्रदेश से बाहर किया और सबसे पहले आपके प्रदेश में भेजा आपको निपटाने के लिए, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हरियाणा में हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जहाँ 4 विधायक थे वहाँ हमारा बहुमत के साथ सरकार है। अब यह बात सही है कि मुझे चैलेंजिंग काम मिलता है, अब मुझे बंगाल भेजा। मैं आपको खाली इतना बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी जब मैं था तब मैंने चैलेंजिंग काम किया है। मैं इंदौर का मेयर था तब चैलेंजिंग काम किया। पहली बार सरकार बनी, मुझे PWD मिनिस्टर बनाया, मात्र 600 करोड़ का बजट था। आज पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें बन गई, 8,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, सड़कों का सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो ये जो विकास का रथ है हमारा, ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, आज पूरे देश में घूम रहा है। आप चिंता मत करिए, मैं दुनिया गोल है, मैं घूम के यहीं आऊँगा, आप चिंता मत करिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप मध्य प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसानों का हमने आंदोलन देखा, दलितों का हमने आंदोलन देखा, अपर कास्ट का हमने आंदोलन देखा। अगर समाज के अलग अलग वर्ग सड़क पर हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो कौन से विकास का हवाला देते हैं? ये चुनाव का मौसम है राहुल जी, चुनाव का मौसम नहीं होता तो आप भी नहीं आते और आप इस प्रकार का प्रश्न भी नहीं पूछते। कुछ आंदोलन,
कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो वास्तव में आंदोलन होते हैं और कुछ क्रिएट किए जाते हैं। चुनाव के वक्त इस प्रकार के आंदोलन क्रिएट हो रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि पहले भी लगातार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार थी वो। अगर अच्छा प्रशासन नहीं चलाते तो हमारी सरकार ही नहीं बनती। तो मैं तो दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, हमें मौका दिया और हमने एक मध्य प्रदेश का नक्शा बदल कर बताया है। मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र है कि इंदौर की, मध्य प्रदेश की जो जनता है वह समझदार जनता है, जानती है, चुप रहती है और काम करती है। सब समझ में आ रहा है सबको कि कौन आंदोलन कर रहा है और कौन आंदोलन करवा रहा है। हम जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये जितने भी आंदोलन आपको दिख रहे हैं वो सब करवाए जा रहे हैं, हो नहीं रहे। ब्लोअर के आंदोलन है, पीछे से कांग्रेस धक्का लगा रही इसलिए लोग सड़क पे उतर रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो मंदसौर में 6 किसानों की हत्या क्या आपकी सरकार और पुलिस ने नहीं की? क्या वो पुलिस की गोलियों से अन्नदाता किसान नहीं मारा गया? देखिए, क्या, एक सेकंड मेरी बात पूरी करने दीजिए, क्या ये सही नहीं कि आज तक मंदसौर के आधा दर्जन किसानों के ना घाव भरे, ना उनके हत्यारों को शिवराज जी ने पकड़ा, ना उन्हें सजा दी? क्या ये सही नहीं कि रायसेन में, अरे आपकी सरकार तो आदरणीय कैलाश जी ऐसी है जिसने जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैनिक उग्रवादियों के लिए इस्तेमाल करते हैं उस AK-47 से आपने इस प्रदेश के किसानों का सीना छलनी कर दिया और आप कहते हैं ये कांग्रेस करवा रही है? सच्चाई ये है कि आज मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर क्यों है? आपकी सरकार का जवाब संसद का जो है, पुरुषोत्तम रूपाला साहब का, वो ये कहता है कि 15,000 से अधिक किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की, हर रोज 3 किसान आत्महत्या करते हैं। ये आपकी सरकार का जवाब है जो बता रहा हूं। आपकी सरकार का जवाब ये कहता है, जिसकी मैं दोबारा आपसे चर्चा करूं, लागत MSP पर मिलना तो दूर, किसान को आज सोयाबीन, उड़द, मसूर, मूंगफली, आप जाकर जिस मंडी में चाहें मेरे साथ चलिए, मैं चुनौती देता हूं, MSP से 25% कम मिल रही है, लागत जमा 50% कहां मिलेगा? आज मध्य प्रदेश के किसान की यह हालत है कि वो कर्ज के बोझ के नीचे कराह रहा है, परंतु शिवराज जी और मोदी जी दोनों को उसकी कराहट सुनती नहीं। आप 3,17,000 करोड़ माफ कर देते हैं मुट्ठी भर उद्योगपतियों का, पर जब मोदी जी, जेटली जी और शिवराज जी से पूछें तो वो कहते हैं मैं ठनठन गोपाल हूं, मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक पैसा नहीं। क्या ये तरीका और रास्ता है BJP का? देखिए सुरजेवाला जी, आप वही बोल रहे हैं जो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आपको दिया है। मैं यहाँ पर 6 साल से विधायक हूँ और मैंने 6-6 बड़े मंत्रालय संभाले हैं। मैं बहुत जवाबदारी से एक बात कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के किसान को जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, देश के किसी भी प्रदेश में उतना नहीं मिला होगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ और जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। MSP 1765 रुपये घोषित हुआ, मध्य प्रदेश के किसान को पता है आपको 2,000 रुपये क्विंटल का पैसा मिला है। अभी सोयाबीन आप बाज़ार में देख लीजिए क्या भाव है, 3,000 3,500 रुपये का किसान बेच रहा है अभी इसी वक्त। ये मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ। प्याज पूरे देश में 2 रुपये किलो था, हमारी सरकार ने 8 रुपये किलो में प्याज खरीदा किसानों से। कैलाश जी, हाँ, उसी पर हमने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से तहकीकात कराई। जो आप कह रहे हैं कि 8 रुपये में खरीदा, 2 रुपये का बाजार में बिक रहा था, हमारे संवाददाताओं ने दिखाया कि किस तरीके से जो बिचौलिए हैं वो करप्शन कर रहे थे, वो किसानों से पैसा ले रहे थे, और आपकी सरकार को फिर 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी फूड कॉरपोरेशन की। तो जो आप दावे कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसमें कितना करप्शन हो रहा है वो तो देखें राहुल जी, तो कैमरे पे हम लोगों ने कैद किया। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि 8 रुपये किलो में सरकार ने खरीदा,
यदि कहीं गलती हुई तो उसको दंडित भी किया गया। इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा देश है, प्रजातंत्र के अंदर जो गलती करता है उसको सजा मिलना चाहिए। यदि उसको संरक्षण दिया होता सरकार ने तो आप हमसे कहते कि आपने उनको पकड़ा नहीं। उन सबको सजा दी जिनको आपने पकड़ा, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार की अगर आप कुछ खोजी खबर लाते हैं तो हम सरकार में बैठे हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। काम थोड़ी है पकड़ना तो आपका काम है ना। आपने खबर दी, हमने पकड़ा और दंडित भी किया उनको। वो तो पत्रकार कुछ कर सकते हैं लेकिन इस तरह की करप्शन को रोकना तो आपका काम है ना। एक जो आरोप लगता है वो ये है कि बीजेपी का दावा है कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे व्यापम स्कैम हुआ, हाल ही में ई टेंडरिंग स्कैम आया। अगर इतनी ही पाकसाप आपकी सरकार है तो इतने सारे स्कैमों का आरोप आप पर क्यों लग रहा है? देखिए, व्यापम मैं समझता हूँ कि सुरजेवाला साहब की सरकार पार्टी के बहुत बड़े बड़े वकील, सबसे बड़े वकील जो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब दूर गए। उसके बाद सीबीआई के पास भी गए, सीबीआई ने भी जांच कर दी। अभी तक व्यापम में जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, ना मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली किसी जांच एजेंसी ने उठाई। पूरी जांच करने के बाद क्या मिला साहब? सालार जंग की घंटी की आवाज़ मिली है सिर्फ। सालार जंग म्यूजियम में जो घंटी बजती है ना वो मिली, सब दूर जलने के बाद, सारी जाँच होने के बाद अभी भी व्यापम को आप जिंदा रखे हुए। भाई व्यापम में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको वो जेल में है सरकार। अच्छा, व्यापम के जो केस भी पकड़ा प्रकरण वो विपक्ष ने पकड़ा, मुख्यमंत्री की टीम ने पकड़ा। जैसी जानकारी मिली उनको पकड़ा, अब ये उसको पकड़ के लटूम गए कि व्यापम व्यापम घोटाला व्यापम घोटाला। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का परिवार है। सारी देश की जितनी जांच एजेंसी सबने जांच कर दी, बल्कि और झूठे दस्तावेज पेश करने के कारण कांग्रेस के आपके नेताओं के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट ने कमेंट्स भी किया। तहकीकात व्यापम की हो चुकी, उसमें बीजेपी या फिर चीफ मिनिस्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला, ये केवल एक पॉलिटिकल आरोप है। ये बड़ी खूबसूरत तरीका है कैलाशी भारतीय जनता पार्टी का। क्या ये सही नहीं कि 1 करोड़ नौजवानों के भविष्य को व्यापम में आपने बेच डाला? क्या ये सही नहीं? बिल्कुल गलत के व्यापम के अंदर 40 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक में नौकरियां बेची गई। क्या ये सही नहीं? क्या ये सही नहीं कि आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री के सहायक वो सब जेल भेजे गए? क्या ये सही नहीं कि जब व्यापम हुआ, और ये तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत सूझबूझ वाले राजनीतिज्ञ हैं और बड़ी खूबसूरती से कई बार टालते भी हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? शिवराज सिंह चौहान थे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दें, तो जांच कौन करेगा? और एक बात और जोड़ूंगा मैं इसमें, 52 व्यक्ति व्यापम से जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप मर गए क्या? उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत के लिए जिम्मेवार कौन है? अब सच्चाई ये है कि इस देश का सबसे बड़ा रोजगार और मेडिकल एजुकेशन घोटाला अगर कोई था तो वो व्यापम था, व्यापम है, और जिस दिन उसकी जांच होगी, माफ कीजिए जो आज सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हैं ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सुरजेवाला जी, आप वकील हैं पेशे से, आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे, आप एक अच्छे नागरिक हैं। आपने मांग की सीबीआई से जांच करने की, सीबीआई ने जांच करके और पूरा बता दिया कि इसमें कोई भी न मुख्यमंत्री न किसी कोई मंत्री जो जिम्मेदार है वो अंदर है। सारी एजेंसियों ने जांच करने के बाद भी यदि आप उसके ऊपर प्रश्न उठाएं तो मैं समझता हूं कि आप सो नहीं रहे, सोने का ढोंग कर रहे हैं। सुरजेवाला जी, आप तो जानते हैं सारी जांच एजेंसी ने जांच कर दी, न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया, उसके बाद भी आप कमेंट्स करें तो मैं समझता हूं कि आप जानबूझ के भ्रम फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने एक मिशन चलाया है राहुल भाई, अभी दुर्भाग्य से इनके नेता भी भ्रमित हैं, कांग्रेस भी भ्रमित हैं और समाज में भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई यहाँ से लेके वहाँ तक, दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या हुआ भाई साहब? चुनाव आयोग ने ही मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बाद भी दम ठोक रहे हैं कि हाँ, उसके बाद भी हम फिर से चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जाइए, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ समाज में भ्रम फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ना आपके पास कोई कार्यक्रम है, ना संकल्प है, ना विकल्प है, कुछ भी नहीं है आपके पास। कांग्रेस के पास क्या कार्यक्रम है पूछना चाहता हूं। हमने तो डेवलपमेंट का नारा दिया था और डेवलपमेंट करके बताया, मध्य प्रदेश की GDP बढ़ी है, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, मध्य प्रदेश का बजट बढ़ा है।
यदि आप बजट देखेंगे तो मुझे याद है कि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना जब 600 करोड़ का बजट था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8,500 करोड़ का बजट है पीडब्ल्यूडी का। हमने कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, कांग्रेस का जब शासन था तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। मुझे याद है बीते कई साल पहले का चुनाव, जहां पे मध्य प्रदेश की सड़कों पे चलने में बहुत बुरी तरह से आपकी हालत खराब हो जाती थी। अब सड़कें बेहतर हैं और शिवराज जी का और बीजेपी का दावा है कि पहले की तुलना में हमने चीज़ों को बेहतर किया है, बाकी गुजरात से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही विकसित था। आप देखिए मध्य प्रदेश आ कहाँ से रहा है। राहुल भाई, नीति आयोग का गठन आपने किया और नीति आयोग के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा देश इसलिए पीछे है, और मैं वो बयान लेकर आया हूँ और उसकी एक प्रतिलिपि जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि देश इसलिए पीछे है कि उसमें मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य हैं। ये लीजिए, ये 24 अप्रैल 2018 का, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी सरकार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कहते हैं कि भारत पिछड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। वो आपको दे रहे हैं प्रेम पत्र, मैं आपको ये दे रहा हूँ। सर एक मैं आपसे, आप बड़े भाई हैं और आपसे बड़े विनम्रता से दो तीन बातें और कहूंगा। मध्य प्रदेश आप कह रहे हैं बहुत आगे है, मध्य प्रदेश में 157,000 सरकारी स्कूल हैं, आज तक 72% स्कूलों में बिजली नहीं, ये विकास है मध्य प्रदेश। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कहीं रिपोर्ट दे देता हूं, ये एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स मोदी गवर्नमेंट ने जो इशू किया है आपके प्रांत के बारे में, ये वो कह रहा है। मध्य प्रदेश में 46,317 महिलाओं से आपके शासन में बलात्कार हुआ, हर रोज 10 महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCERB की आपकी रिपोर्ट कह रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपहरण की घटनाएं 2004 के मुकाबले में 750% बढ़ गई, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी मोदी जी की NCERB की रिपोर्ट कह रही है। मध्य प्रदेश में 48 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, और ये भी मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने अभी रिपोर्ट जारी की है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे Volume 4, प्लीज उसे पढ़ लीजिए कृपया, ये वो कह रहा है। मध्य प्रदेश में 90,000 बच्चे एक साल की जिंदगी पूरी नहीं कर पाते, उससे पहले मर जाते हैं, ये भी हम नहीं कह रहे, ये आपकी HRD मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है। और एक आखिरी बात और जरूर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय आप कह रहे हैं बहुत प्रगति हुई, 55,000 रुपए है सर, 33 प्रांतों में आप 29 में पायदान पर हैं। ये पता नहीं कहां से आंकड़ा दिया आपने, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोकसभा में 2 अगस्त 2017 को आपके मंत्री जी ने जवाब दिया है, कहे तो मैं आप जवाब 17 की अभी आपको अभी 18 चल रहा है और 18 के अंदर यह आंकड़ा हो गया 79, 79,000 रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय है। 15,000 थी दिग्विजय सिंह जी के जमाने में, 15,000 से हम 80,000 के आसपास ले गए। जहाँ तक आपने आंकड़े बताए हैं बलात्कार के, महिलाओं के छेड़छाड़ के, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा आपकी कि आप काफ़ी अध्ययन करके आए, पर अधूरा अध्ययन करके आए, आपने सिर्फ अभी का ही अध्ययन किया है। मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन सिंह जी के समय और दिग्विजय सिंह जी के समय के भी आंकड़े मेरे पास है। हमें कुछ चीज़ें विरासत में मिली है, बहुत अच्छी विरासत में मिली है। एक मध्य प्रदेश में मैं प्रशंसा करूँगा कि जो नौकरशाही का राजनीतिकरण में अन्य राज्यों में देखता हूँ, यहाँ नहीं है। यहाँ नौकरशाही बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करती है, और इसलिए ये जो महिलाओं का छेड़छाड़ के प्रकरण है, ये हमको विरासत में मिले। मैं ये बहुत दावे से कहता हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद कम हुए हैं। हमारे यहाँ महिला अगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पुराने समय से, जब मोतीलाल जी वोरा मुख्यमंत्री जी थे, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने आदेश जारी किया था कि महिला रिपोर्ट लिखाने आए तो लिखिए, गलत है या सही इसके बाद में, हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है और इसलिए आंकड़े हमारे यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा आते हैं। और वो आज भी परंपरा कायम है कि कोई भी महिला रिपोर्ट लिखाए, हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है। लिखने के कारण कई बार झूठी होती है, कई बार सच्ची होती है, पर आंकड़े तो बताए जाते हैं। मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ आपसे कि आपने जो महिलाओं के आंकड़े बताए वो दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में ज़्यादा थे, अर्जुन सिंह जी के ज़माने में ज़्यादा थे छेड़छाड़ के, और हमारे यहाँ हमारी सरकार आने के बाद कम हुए।
जहाँ तक कुपोषण का सवाल है, कुपोषण में भी मेरे पास आंकड़े हैं, कुपोषण में भी आंकड़े सुना नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे हैं आंकड़े, बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको आंकड़े, आंकड़े बता देता हूँ आपको, आप चिंता मत करिए। मैंने मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला विषय आएगा, इसलिए मैंने उसको फ्लैग नहीं किया, आउट ऑफ सिलेबस निकला कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस हो गया वो। पर मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास आंकड़े हैं उसके, जो कम हुआ है हमारे यहाँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि बाल मृत्यु दर मध्य प्रदेश में पहले से ही ज़्यादा है, पर हमारी सरकार आने के बाद 50% कम हुआ है, महिला मृत्यु दर 50% कम। मैं आपको आपका आंकड़ा बता देता हूँ आपको, मेरे पास आंकड़े सुना ही नहीं आपने। हाँ, मेरे पास मैं क्या है कि उसको मैंने मैं सोचा नहीं था कि मैं मोदी जी की रिपोर्ट लेकर आया हूँ, शायद उन्होंने आपको दी नहीं होगी, मेरे पास है। मेरे पास भी, आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई का ये कर्तव्य है। मेरे पास दिग्विजय सिंह जी के जमाने की भी और अर्जुन सिंह के जमाने की भी है, जिस समय हमारे यहाँ बाल मृत्यु दर ज्यादा थी। कैलाश जी, आदर के साथ, ये जो आप कहते हैं कि दिग्विजय जी के जमाने से या अर्जुन सिंह जी के जमाने से, एक पूरी पीढ़ी खड़ी हो गई मध्य प्रदेश में, जिसने ना दिग्विजय का राज देखा ना अर्जुन सिंह का, वो आज मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं और आज के मध्य प्रदेश की स्थिति की तुलना करते हैं बाकी राज्यों से। वो गुजरात देखते हैं, वो केरला देखते हैं, वो बाकी राज्य देखते हैं और कहते हैं कि हमारा भी मध्य प्रदेश वैसा ही होना चाहिए। उनको नहीं याद दिग्विजय ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, उससे क्या मतलब, 15 साल से तो आप राज कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई अगर कोई कमी थी, कोई बहुत बड़ा हमारे प्रदेश के अंदर कोई बड़ा दाग था, यदि हमने उसको छोटा किया, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जहां हमारे 1000 के बीच में, मुझे आंकड़ा याद है कि 1000 के बीच में 93 बच्चे मरते थे, अब 1000 में 41 हो गए, 1000 में 41 बच्चे मरते। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे यहां कुपोषण, गरीबी, 23% हमारे यहां ट्राइबल जनता है और वहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरेसी वहां पर कम है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। जो है वो तो मैं स्वीकार करूंगा, पर महिला मृत्यु दर हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के पीरियड में 1000 में 102 महिलाएं मरती थी। एक समय था जब हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन जो डिलीवरी होती है वो मात्र 35% थी, आज 80% डिलीवरी होती है हमारे यहाँ, और इसीलिए महिलाएं जो उस समय 104 या 105 मरती थी, आज वो कम से कम 35-38 पे आ गई। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के पीरियड समय में महिलाओं की मृत्यु हो रही है, पर पहले की तुलना में अच्छा हुआ है, पहले की तुलना में हमने इसको फोकस करके कम किया। जी एक चीज़ बताइए, जो सुबह मैं कार्यक्रम देख रहा था, वहाँ पे बीजेपी के कुछ समर्थकों से पूछा गया कि क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि वोट तो हम बीजेपी को देना चाहते हैं लेकिन 15 साल से शिवराज जी का राज चल रहा है, अब हम चाहते हैं कि कोई नया चेहरा है। आपको नहीं लगता कभी कभी अगर कैलाश विजयवर्गीय को मौका मिल जाए तो बीजेपी का बेहतर हो सकता है? आप यहाँ पर आप यहाँ से मुझे छुट्टी कराने आए क्या? पूरी तरीके से आप किसी षड्यंत्र के तरह से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं मेरे से। मैं बीजेपी के आज के सुबह कार्यक्रम में हुआ, उन्होंने कहा कि नया चेहरा होना चाहिए। मैं राहुल जी, अभी हम लोग बैठे थे सुरजेवाला जी के पास, अभय दुबे जी भी थे, मैंने कहा मेरा सौभाग्य है कि मैं आज जिन लोगों के साथ बैठ कर राजनीति कर रहा हूँ, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी, उनकी टीम में काम करना सौभाग्य की बात है और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। इसलिए कभी सोचता भी नहीं हूँ कि मैं इधर आऊँ, यहाँ पर आऊँ, या अपने आप को, मैं आपको बहुत गौरवान्वित महसूस समझता हूँ कि मैं उनके 8-10 लोगों की टीम में उनके साथ मुझे आज सीखने को मिल रहा है। जो विश्व का नेता हो उसके साथ यदि आपको काम करने का मौका मिले, मैं समझता हूँ इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो मैं जब समुद्र में हूँ, मैं जोड़ दूँ क्योंकि बड़े भाई हैं ये ना, आप बड़ी बदमाशी करते हैं सुरजेवाला जी, आप पहले उनको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं फिर वहाँ पत्थर फेंकते हैं उसके ऊपर, शुरू से आप ऐसे ही कर रहे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, जब ये जल्दी नहीं मानेंगे। मैं एक सीक्रेट बताता हूं दर्शकों को, या आप दोनों मिलके कर रहे हो? नहीं नहीं, अकेले वो नहीं कर रहे। उन्होंने क्या किया, पहले बोला कि जाके एंकर की खिंचाई करेंगे, अब क्या कर रहे हैं वो, पहले उनको चने के झाड़ पे चढ़ाते फिर आप वहाँ पत्थर फेंक रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं है, चने के झाड़ पे कौन चढ़ा रहा है उन्हें और कौन उतार रहा है, बात बड़ी सीधी है। देखिए, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शिवराज जी के बारे में कही, पर दो बात बताना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पीढ़ी और नेतृत्व को अगर किसी ने समाप्त किया शायद तो शिवराज जी हैं। और नाम देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, सरताज सिंह जी, बाबूलाल गौड़ जी, उमा भारती जी, अनूप मिश्रा जी, ये कहते हैं लोग कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे शिवराज जी ने ठगा नहीं। सर आप मत हंसिए, आपको अलाउड नहीं है इस पे हंसना,
आप मत हंसिए, तो आपके हक में ही कह रहा हूँ। अच्छा, मैं भी आपके हक में कह रहा हूँ। मुझे बताइए कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस ने निजलिंगप्पा, मुरारजी देसाई, मैं 101 नाम दिखा सकता हूँ। सिर्फ एक गांधी परिवार ने कम से कम इस देश के 10,000 नेताओं को खत्म किया। 10,000 नेताओं को खत्म किया। अब आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। आपके पिताजी कितनी बार कितने बड़े नेता थे, कभी हरियाणा के बाहर ही नहीं निकल पाए सिर्फ गांधी परिवार के कारण। तो अब गांधी परिवार ने कांग्रेस को कितना डैमेज किया कि जो कश्मीर, जो जहां से सूर्य निकलता था, जहां अस्त होता था, वहां कांग्रेस थी। आज कांग्रेस इतनी सी हो गई, 440 सांसद वाली कांग्रेस आज 44 सांसद में हो गए। इसका इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई साहब, आप कभी नहीं सोचते। और दो सांसद वाली भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है भाई साहब। आप इसको इस प्रकार मत लीजिए, जो जिस प्रकार आपका तरीका है, मैं समझता हूँ मजाक के लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर वास्तव में आप सोचें कि कांग्रेस का भविष्य किसने ख़त्म किया। कांग्रेस इस देश की वो पार्टी थी जो अपने आप को देश को आज़ाद कहलाने वाली पार्टी कहलाती थी, आज वो स्वयं ऐसा लगता है कि गुलामों की पार्टी हो गई। गुलामों की पार्टी वाला जी, गुजरात में जो हुआ उसको देखते हुए, कर्नाटक में जो हुआ उसको देखते हुए, और बाकी जो 20 राज्यों में हुआ उसको देखते हुए, लगता है कि कांग्रेस जीतने की अपनी क्षमता, अपना विश्वास खो चुकी है कि चलिए ठीक है नाराजगी है ये वो, एंड में लेकिन बीजेपी मैनेज कर लेगी। नाराजगी है, अभी आप मार रहे हैं, शॉट मार रहे हैं, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन एंड में आप लोग हार जाएंगे। कांग्रेस में जो जीतने की एक क्षमता थी, चुनाव जीतने की जो मशीन थी, वो अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र मोदी ने ऐसी मास्टर कर दी है कि एंड में मैच में दौरान जो भी हो, एंड में जीत होती है इनकी। देखिए राहुल भाई, आज पहली बार बैक फुट पे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, ये तो फ्रंट फुट पे खेलते थे। वो अभी भी आंकड़े खोज रहे हैं, क्योंकि मिल गए, ओहो उनके आंकड़े मिल गए सर, उनके आंकड़े सुन लेते, बड़ी देर से खोज रहे थे वो। बताइए कैलाश जी, क्योंकि इस बार हम केवल हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले हैं इन तीनों प्रांतों में समेत मध्य प्रदेश के, तो बॉल स्टेडियम के बाहर ही जाएगी सीधी, बीच में रुकने वाली नहीं। और आप कह रहे थे थोड़े असहज थे, क्योंकि मैंने वास्तविकता कुछ बताई, मन में आप खुश थे कि हाँ नौजवान बात तो मेरी कह रहा है, पर थोड़े ऐसे हैं जरूर थे। आप मैं केवल शो क्या हो भैया, ये तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बात सुनिए तो सही। मैं मन में खुश था, आपको पता भी लग गया। मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब इंटरप्ट नहीं किया, थोड़ी सी बात सुनिए। आपने दो सीट की और 282 की चर्चा की, पर शायद दो आंकड़े भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की कैलाशी अब 282 सीट नहीं है, आप माइनॉरिटी हैं अगर आप अपनी अलाइज की बैशाखियों पे ना चले। आपके पास अब 272 सीट नहीं बची। सर आपसे तो 4 गुना ज्यादा है। कोई बात नहीं, 4 गुना के आपसे तो 6 गुना ज्यादा है उससे। राहुल भाई, ये जनता है, ये जानती है कभी अर्श और कभी फर्श। अभी तो आप फर्श पे हैं। में आप 2 पे थे, हम 2 से ये 282 तक आए, अब 271 और 70 पर पहुंच गए, और हमारी 44 नहीं सर 48 सीट है। 48 से 300 पे जाने में देर नहीं लगती। अच्छा। क्योंकि इस देश में जनता फैसला करती है, इस प्रकार फैसला राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते। नहीं, इस प्रकार मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरा नहीं है, आप देखते रहिए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, पर कम से कम कोई कार्यक्रम तो लाइए भाई साहब। आप नेता तो लाइए, जो नेता आपके है। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे कि वो जिलों के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं कि किसको कौन है उम्मीदवार, कौन नहीं है, और उसको बड़ा समाचार पत्रों में भी काफ़ी प्रकाशित किया। एक जिलाध्यक्ष बोल गए कि मुझे राहुल जी का फ़ोन आया, मैंने कहा उनका ही था कि उनके नाम से किसी ने किया, तो बोले नहीं 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 उनका ही था, उनका ही था। मैंने फ़ोन ऐसे कैसे ही रख रहा, उसकी पत्नी फ़ोन साफ़ कर रही थी, तो साफ भी नहीं करने दे थे, जा राहुल जी का फ़ोन आया था इस पे। आपके नेता संसद में क्या करते हैं, क्या कार्यक्रम है उनका, क्या गुजरात में भाषण देते हैं? आलू डालो सोना निकालो, पार्लियामेंट के अंदर आँख का किस प्रकार का उपयोग करते हैं भाई? आपके विचार क्या हैं, आपकी पॉलिसी क्या है? सिर्फ भ्रम फैलाते रहेंगे आप? अब कैलाश जी थोड़ा गियर में आ रहे हैं। एक मिनट, अब आप फिर उनकी तरफ चले गए, मैं आपकी तरफ। अरे आप बताइए, मैं कह रहा हूँ कि आप गियर में आ रहे हैं, मैं तो आपको तारीफ कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी तरफ हूँ ना इनकी तरफ। देखिए, मतलब JNU में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। मध्य प्रदेश के चुनाव से क्या लेना? सुन ले, अरे कांग्रेस से तो मतलब है, कांग्रेस के नेता से मतलब है? कांग्रेस ने लगाए नारे भाई, कांग्रेस
जो नारे लगाने वालों के साथ गए हो, उनकी पीठ थपथपाने गए। पार्लियामेंट में ज्योतिराज सिंधिया जी ने बोला, जो मैं प्रश्न बोला था इसलिए कि कोई ये नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके ऊपर देशद्रोह का, देशद्रोह नहीं है ये, कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, सुरजेवाला कोई जी बात है। कोई नारे लगाए कि कोई नारे लगाए अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये देशद्रोह नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है, कांग्रेस के सांसद ने पार्लियामेंट में कहा ऑन रिकॉर्ड। पर कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके विरोधी ये कह सकते हैं कि जब सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश के किसानों का, दलितों का, पर कास्ट का, अब आप जा रहे हैं अफजल गुरु पे, अब आप जा रहे हैं JNU, अरे चुनाव तो मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है ना, यहां का जवाब। ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश के ही हैं, आपको बताया कि नहीं बताया, ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं, वो उन्होंने कहा, तो ये कांग्रेस की नीति, लेकिन जनता के बीच में सुरजेवाला जी, मैं कांग्रेस की नीति बता रहा हूँ, नेता बना सुरजेवाला जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच में धारणा तो बन रही है कि कांग्रेस एक तरीके से बीजेपी एक पेट्रियोटिक देशभक्त पार्टी है और कांग्रेस एंटी नेशनल फोर्सेस का साथ देती है। कितना भी वो भटका लें, पर मैं उस बात का भी जवाब आपको दे देता हूँ। कांग्रेस के लोग सर, जैसे मध्य प्रदेश के IT सेल के लोग देश की सेना की जासूसी करते पकड़े गए थे, ये देशद्रोह हम नहीं करते। गलत है वो, इस देश का वो बिल्कुल गलत है। कैलाश जी सुनने का मादा जरूर रखें, गलत है। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, आपकी बात सुनी, नहीं नहीं, आप गलत भी कही, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यहां की पुलिस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी IT सेल के लोगों को हमारी सेना की जासूसी करते पकड़ा, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी गए थे बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर नवाज शरीफ जी के यहाँ, क्या करने गए थे, दावत खाने, और वापसी में क्या मिला, पठानकोट एयरबेस हमला, और वहाँ किसको निमंत्रण देकर जांच के लिए बुलाया, जिनको आपके अध्यक्ष ने जिन पर विश्वास जगाया। अब ISI पर आप विश्वास करेंगे, ISI से हमारी सेना की जांच करवाएंगे और देशभक्त भी बन जाएंगे, उसकी उसका जवाब क्या मिला? सुन तो लीजिए अब आप पूरी बात। और आसिया अंद्राबी कौन है? क्या आपकी जम्मू कश्मीर की PDP BJP की सरकार ने, वो जो मौलाना मसूद अजहर के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जाकर षड्यंत्र करती है, क्या उसको आपने बेटी बचाओ का चेहरा नहीं बनाया? क्या ये सही नहीं कि मोदी जी की मौजूदगी में PDP BJP के मुख्यमंत्री ने, जो आज महरूम है, आज हमारे बीच में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का और उग्रवादियों का, सेपरेटिस्ट का धन्यवाद किया, सेना और चुनाव आयोग का नहीं किया, और दुहाई हमें देंगे? इस देश का पूरा इतिहास कांग्रेस के राष्ट्रवाद और कुर्बानी से लिखा है। आपने तो देश की आजादी के 40 साल तक RSS के हेडक्वार्टर पर देश का झंडा नहीं फहराया। आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप अल्प ज्ञान से अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति RSS के ऊपर उंगली उठाए, उनके राष्ट्रभक्ति के ऊपर उंगली उठाए, और आप ये कहें कि RSS के लोगों ने तिरंगा नहीं लहराया। मैं समझता हूं कि ये गैर जवाबदार है। उन्होंने तिरंगा कब लहराया था आज तक पर पूरे देश को बता दीजिए। चलिए मैं आपको कब नहीं लहराया, बड़ी विनम्रता से, कब नहीं लहराया, कब नहीं लहराया, कौन से साल में पहली बार RSS ने तिरंगा लहराया? मैं RSS से निकला हूं, मैंने जब स्कूल में था, मैं स्कूल में था जब मैंने तिरंगा लहराया स्कूल में। RSS के नागपुर पे पहली बार देश का तिरंगा कब लहराया गया? देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ, आपने 30 साल तक इस देश का तिरंगा वहां नहीं लहराया, क्योंकि आप एक ऐसे पितृ संगठन के वंश हैं जिन्होंने एक ऐसे पितृ संगठन के वंशज, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा, जिन्होंने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, उल्टा अंग्रेज के पिट्ठू बनकर। देखिए, ये तो आप सीधा एकदम असत्य बयान कर रहे हैं। RSS की एक पुस्तक निकली, आपको मैं भिजवा दूंगा, कि किस किस RSS के व्यक्ति ने कहां कहां किस प्रकार गोलियां खाई है और स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, ये मैं आपको भिजवा दूंगा। ये आप जो मैं कह रहा हूं ना, कि आप सिर्फ भ्रम फैलाते मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, इस प्रकार आप सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं, आप सत्य के पास नहीं जाते हैं। आप सिर्फ मुझे बताइए, कांग्रेस का राजनीतिक दल था क्या आजादी के पहले? कांग्रेस एक आंदोलन था, आपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसको राजनीतिक दल बना दिया,
और कांग्रेस के झंडे के नीचे सबने काम किया, वहाँ पर सबने काम किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के झंडे के नीचे काम किया, कौन मना करता हूँ, क्योंकि एक आंदोलन था, वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा था कि महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, पर आपने गांधी को नहीं माना, आपने कांग्रेस को जिंदा रखा, इसलिए कि कांग्रेस इस देश का राजनीतिक दल बनकर देश का शोषण कर सके, और आपने बराबर 60 साल तक इस देश का शोषण किया है। जहां तक आपने मोदी जी की बात बताई, मोदी जी निश्चित रूप से गए, वहां गए, उन्होंने धोखा किया, उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम किया हमारे सैनिकों ने, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सैनिकों को मारा, और आपके लोगों का क्या जवाब था, आपकी भूमिका क्या थी उस वक्त, आपको सेना का प्रूफ चाहिए, आप अपनी देशभक्ति बता रहे हैं, सेना प्रूफ देगी आपको, कम से कम थोड़ा विचार तो करिए कि आप देश के लिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था आदरणीय कैलाश जी, जरा ये भी बता देते कि ये सेना ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, सेना ने सैकड़ों बार किया और सैकड़ों बार करेगी, कांग्रेस उसका राजनीतिकरण नहीं करती। और अगर आपको कांग्रेस के बारे में जानना है तो माफ कीजिए, उसे आरएसएस के शीशे से नहीं देखकर जान सकते, कांग्रेस एक आंदोलन भी था, एक राजनीतिक दल भी था, और कांग्रेस 60 साल जो आप बार बार चर्चा करते हैं, हमें खैरात में देश ने नहीं चुना, हमें देश के लोगों ने चुना है। सेना का भी अपमान कर रहे हैं और देश की जनता का भी अपमान कर रहे हैं सर, हम जनमत से वोट लेकर चुन कर आए। कार्यक्रम में कुछ ही मिनट बचे हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के मैं भोपाल वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि सवाल ये है, मध्यप्रदेश का चुनाव आखिरकार किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, और जो देखा जा रहा है चुनावी मैदान में सुरजेवाला जी, वो ये कि कांग्रेस बात कर रही है शिव भक्त होने की, राम भक्त होने की, कहीं ना कहीं बीजेपी का हिंदुत्व करस इस तरह से जनता पे चढ़ा हुआ है कि कांग्रेस अब अपने आप को बीजेपी से भी बड़ा हिंदू दिखाने में लग गई है। अब बताइए, अगर कोई पार्टी हो जिसका पूरा जनाधार इस पे हो कि हम कितने बड़े हिंदूवादी हैं, अब उनसे बड़े हिंदूवादी बनने आप निकले, ये कैसे स्ट्रेटेजी चलेगी सर? राहुल भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप दोबारा डिबेट मध्य प्रदेश वापस खींच कर ले आए, कैलाश जी घबरा कर दूर चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं। मैं किस धर्म को मानता हूँ, मेरे प्रभु की आराधना और आसक्ति, ये मेरे विश्वास का प्रतीक है। अगर राहुल जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा क्यों है? क्या अगर राहुल जी नर्मदा मैया की आरती करें तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज क्यों है? अगर राहुल जी प्रभु के आगे शीश झुकाएं तो किसी व्यक्ति को भी क्यों ऐतराज है? ये मेरी सभ्यता का हिस्सा है। चुनावी मौसम में ही क्यों करते हैं? परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पहले तो नहीं करते थे, जब वो अलग अलग पीठों की यात्रा पर गए तब भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा था, और तब मैंने कहा था ये गुजरात से ही स्टार्ट हुआ है ना, मतलब जब से आपको लगा कि ये चुनावी फायदा इससे पहुंचता है, जब वो केदारनाथ की यात्रा पर गए तब तो कोई चुनाव नहीं था, तब भी आपने ये प्रश्न पूछा। मैं केवल एक बात आपको कहूंगा, कांग्रेस पार्टी धर्म का इस्तेमाल आपकी तरह, आपके दल की तरह राजनीतिक लबादा ओढ़कर वोट बटोरने के लिए नहीं करती। हमारे लिए धर्म विश्वास का रास्ता है, धर्म ढोंग ढोंगी बनकर वोट बटोरने का रास्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की सभ्यता और भारत का धर्म और भारत का रास्ता जोड़ता है, तोड़ता नहीं, प्रेम सिखाता है, बंटवारा नहीं, नफरत कभी नहीं सिखा सकता, वो भारतीयता हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और मैं तो इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले आप लोग सिर्फ मदरसों में जाते थे, गिरजाघर में जाते थे, और कहीं मंदिर में चले जाते थे तो आपके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लग जाए, इस बात का डर था, पर आपने अब वहाँ जाते हैं चुपचाप जाते हैं, अभी भी वहाँ पर चुपचाप जाते हैं, पर मंदिरों में आप सरेआम जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद आप फ़ोटो भी भिजवाते हैं वहाँ से, कैलाश मानसरोवर से। कभी थाईलैंड से फ़ोटो भिजवाया क्या? थाईलैंड जाते हैं तो अच्छा, दूसरी तो एक मिनट, मुझे पूरी बात ज़्यादा है क्या? पूरी बात थाईलैंड जाते हैं आपको कैसे मालूम? पूरी बात हो जाएगी, थाईलैंड जाते हैं आपको कैसे मालूम? बताए हुए थे क्या? मेरे को किसने बताया, मैं आपको अलग से बता दूंगा, सार्वजनिक रूप से बताइए, अलग से क्या बताएंगे?
दूसरी बताइए आपको कौन आगे बता रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कभी जेएनयू कभी जनेऊ, ये कभी भी हो सकता है, कभी जेएनयू में जाएंगे कभी जनेऊ पहन लेंगे। ये कांग्रेस का पलटने का तरीका समय देखकर, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास करते हुए इस देश में उन सब नेताओं को जो मंदिर चुपचाप जाते थे और मदरसे और खुलेआम जाते थे गिरजाघरों में, अब कम से कम राहुल जी नहीं सब लोग, चाहे वो अखिलेश हो, मैंने तो सीताराम येचुरी जी को देखा थाली साथ में लेके जा रहे थे, कम्युनिस्ट वाले जो कभी मानते ही नहीं मंदिर जाना, वो भी सिर पे थाली लेके जा रहे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने, देश का विकास बहुत अच्छा किया, पर विपक्ष के नेताओं को मंदिर जाना भी दिखा दिया। निश्चित रूप से भगवान उनको सद्बुद्धि देगा। इस बात का जवाब दीजिए कि पहले राहुल गांधी थाईलैंड जाते थे न जाने क्यों, लेकिन अब कैलाश मानसरोवर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। कैलाश भाई को जरूर पता होगा ये क्यों थाईलैंड गए थे, पहले इनसे पूछ लीजिए। आपको कैसे मालूम थाईलैंड गए थे? क्योंकि वो कह रहे हैं तो मुझे क्या मालूम, उन्होंने कहा आपके और आपने सुना, आप गए थे थाईलैंड? मैं तो कभी भी नहीं गया, मैं तो कभी भी नहीं गया, अपना पासपोर्ट दिखा दूंगा आपको, मैं तो कभी भी नहीं गया। अच्छा सर, वो बार बार मांग करते हैं कि राहुल गांधी का भी पासपोर्ट दिखा दे, पता चल जाएगा थाईलैंड जाता है। भाई बात बड़ी सीधी है, हर बात को मजाक में उड़ाए बगैर केवल एक बात कहूंगा, अगर क्या आप प्रभु की आसक्ति के लिए भी मोदी जी और शिवराज जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी याद दिला दूं, व्यक्तियों को नहीं, शिवराज जी ने तो प्रभु को भी ठग लिया। तीन बातें याद करवाता हूं। याद करिए कि 1 अक्टूबर 2007 को शिवराज जी ने ये वायदा किया था कि जो राम वन गमन पथ है उस पूरे रास्ते को वो नए सिरे से सजाएंगे, क्योंकि भगवान राम ने कहते हैं कि 11 वर्ष मध्य प्रदेश में बिताए थे, उसको धोखा दिया। उसके बाद जब वो जाते हैं उज्जैन ओमकारेश्वर जी की धरती पर, जहां पर मैं भी जाते हैं, वहां का इसे धर्म नगरी बना दूंगा, मीट और शराब और सब मिटा दूंगा, आज उज्जैन के लोग उन्हें ढूंढते घूम रहे हैं। आपने तो आदि शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ा, कहते थे 108 फुट की उनकी मूर्ति लगाएंगे, एक फोटो लगाना भी भूल गए। इसलिए कम से कम धर्म के आधार पर तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए, मुद्दों पर आ जाइए। जो आंकड़े आप भूल गए हैं दोबारा उनको बताइए। कैलाश जी, आज सुबह पंचायत आज तक में तमाम बाबा आए, तो आजकल तो बाबा लोग भी आपसे नाराज चल रहे हैं। वोटर तो छोड़िए, तमाम बाबा लोग कह रहे थे कि वो नाराज हैं बीजेपी से, ऐसा कैसे हो रहा है? पता नहीं मुझे, कोई बाबाओं को लेकर हम कभी राजनीति करते हैं ऐसा तो नहीं है। अब कौन नाराज है कौन खुश है तो मुझे नहीं मालूम। पूछ रहे थे कि सामने एक बाबा बैठे, आप ही कह रहे थे ना सर, इनसे पूछ लेते हैं नाराज है क्या? नहीं कैलाश जी, आप ही ये पूछ लेते हैं, ये एक ही बाबा बैठे हैं। मुझे याद है आप कार्यक्रम में कह रहे थे कि अगर नया चेहरा हो तो फायदा हो ना, आप ही ने कहा था कि बीजेपी से नाराजगी नहीं है शिवराज जी से, यही कह रहे थे। अरे कह रहे थे, मेरे को याद है, भाई प्रत्यक्ष एक बाबा है वो तो नाराज नहीं है, और आप जबरदस्ती थोप रहे हैं बाबा। मैं नहीं थोप रहा, यहाँ तो आए थे वो, पांच पांच बाबा आए थे वो कह रहे थे। पता नहीं मुझे अब बाबा कौन आए थे, किनको बुलाया था। देखिए बाबा ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अध्यक्ष हैं साधु समाज के। आजकल संत महात्मा भी कई नाराज हैं, क्योंकि कुछ को मंत्रिमंडल का दर्जा दे देते हैं शिवराज जी, कुछ से ले लेते हैं। आज चलिए अब वक्त खत्म भी भेजते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में मैं जानना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय जी, कॉन्फिडेंस बन रहा है या थोड़ी विकेट पे बॉल बहुत स्विंग हो रही है और बैटिंग करनी मुश्किल पड़ रही है? 200 पार ये हमने नारा दिया, बहुत गंभीरता से नहीं लगी, बहुत गंभीरता से बोल रहा। अरे भाई कभी कभी कुछ जनेऊ का असर हो जाता है कभी कभी, पर यहाँ नहीं होगा, मैं आपको साफ बताता हूँ। जनेऊ का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखिए, इसीलिए उनको लगा कि जनेऊ पहनने से फायदा हुआ गुजरात में, तो सब दूर जा रहे हैं और सब दूर सारे मंदिरों में जा रहे हैं, यहाँ पर भी। इसके पहले राहुल जी जितनी बार आए कभी किसी मंदिर में गए आपको याद है? अब जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अच्छा है, अच्छा नहीं लगता ना, नहीं अच्छा है। अगर आपकी शुरुआत की राजनीति में मंदिर प्रेम होता तो समझ में आता कि ये वास्तविक है, लेकिन जब चुनावी मौसम में भाजपा को देखिए जो कि मोदी जी करते हैं बाकी लोग करते हैं, उसकी नकल करते हुए आप करें तो लगता है कि ये नकली है थोड़ा मंदिर प्रेमिंग। राहुल भाई मुझे लगता है कि अब मंदिर मस्जिद से वापस अगर मुद्दों पर आएं
आपने कहा था कि विकेट स्विंग हो रही है, बॉल स्विंग हो रही है और विकेट हिट विकेट का चांस है। मैं केवल ये कहूँगा, मुद्दों पर अगर आए मध्य प्रदेश के, तो हमारे मुद्दे, रास्ता, दृष्टि, सोच बिल्कुल साफ है। बिजली पूरी, बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ और भाजपा का सुपड़ा साफ। देखिए दिग्विजय सिंह जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने बिजली माफ का नारा दिया और सरकार में आ गए। बिजली माफ नहीं की, बिजली साफ कर दी थी मध्य प्रदेश से। लालटेन युग आ गया था, लालटेन युग। आपका चरित्र मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि जिसको आप माफ करने की बात करते हैं उसको साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं हो, अभी आपने पिछली बार कहा था कि हम बिजली माफ करेंगे और बिजली साफ कर दी थी। इस बार आपने बोला किसानों का कर्जा साफ कर देंगे। ऐसा नहीं हो किसानों को साफ कर दें आप। आपका चरित्र पुराना बहुत खराब है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जितना किया, मैं दावे से कहता हूँ पर कैपिटा इनकम जो बड़ी है किसान की, आप शायद उस कार्यक्रम में थे, मुझे याद आ रहा है, वो जब ऑटोमोबाइल्स एक्सपो हुआ था आप भी आए थे शायद उसमें, नहीं मनीष तिवारी जी थे उसमें। वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स वालों ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गाड़ी अगर कहीं बिक रही है तो मध्य प्रदेश के गांव में बिक रही है, क्योंकि किसान के पास पैसा आ रहा है। वक्त पैसा आ रहा है, किसान के पास पैसा है भाई। वो आपके इस नारे के भरोसे नहीं आपके साथ आने वाली है। उनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, उनको मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उनको शिवराज जी के ऊपर विश्वास है और हमने 200 पार का नारा दिया है, 200 पार करके बताएंगे इस बार। चलिए, किसको माफ करना है, किसको साफ करना है, ये फैसला हम मध्य प्रदेश की जनता पे छोड़ते हैं। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आप लोग आज तक की इस पंचायत में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां।